વાત સુરતની સુરતના સરથાણમાં બેંક મેનેજરના આપઘાત મામલે ત્રણની ધરપકડ કરાઈ બેંક મેનેજરના આપઘાત બાદ સુસાઇડ નોટ પડી આવી હતી જેમાં કુખ્યાત ગેંગના માણસોના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો સરથાણ પોલીસે રજની ગોયાણી રોનક હિરપરા અને જિગ્નેશ જીયાણીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે तो हवे बात अयोध्या मां महामहोत्सव नी बावीसमी जानुआरी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थवा जी रही है पूजन विधि आज थी शुरू कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राये कहूं कि मंगलवार शुरू थवा जी रहे आ पूजन विधि बावीसमी जानुआरी सुधी चलते जयरे रामलला प्राण प्रतिष्ठा बावीसमी जानुआरी बपोरे 12:20 शुरू थे જે એક વાગે પૂર્ણ કરી લેવામાં આવશે આ અગાઉ 18 જાન્યુઆરીએ મૂર્તિ આસન પર મૂકવામાં આવશે જલવાસ સનવાસ સૈયાવાસ સહિતની વિધિ કરાશે અંદાજે 1 વાગ્યા સુધીમાં પૂર્ણ થઈ જશે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા વિધિ તો 20 અને 21 જાન્યુઆરીએ દર્શન બંધ રાખવાનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે પૂજન વિધિમાં વિક્ષેપ ન પડે તે માટે વિચારણા થઈ રહી છે महानुभावों माटे अंदर 8000 जेटली खुर्शीओ लगाववामां आवशे प्राण प्रतिष्ठा बाद पीएम मोदी मनोभाव प्रकट करशे मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ पण मनोभाव प्रकट करशे 1 થી 1.5 કલાક सुधी मनोभाव कार्यक्रम रखावो छे दरेक राज्यमांथी प्रसिद्ध वादको वाद्य वगाडशे गुजरातमांथी संतार वादकोनी पसंदगी कराई छे पूजन विधि दरमियान गुजरातना सितार वादको सतार वगाडशे प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी तो लगभग सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। 22 जनवरी पौष शुक्ल द्वादशी भारतीय कालगणना में कूर्म द्वादशी है अभिजित मुहूर्त है मृक्षरा नक्षत्र है प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी ये प्लानिंग की जा रही है। फिर सभी महानुभाव विशिष्ट जन माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मोहन राव भागवत मुख्यमंत्री महोदय अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। 22 तारीख के बाद 23 तारीख की सवेरे से सबके दर्शन हैं। सबके मतलब 135 करोड़ समाज के जो अयोध्या आ जाएंगे। हमारी कोशिश है जो जिस दिन आ जाए उसी दिन दर्शन करके रात को वापस जाने का प्लान करें। रात की सर्दी के कठिनाइयों से वो रक्षा कर ले अपनी। ये एक सवाल का सब उत्तर। અયોધ્યામાં ભગવાન રામના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોવાઈ રહી છે અને તેવામાં લોકો પણ અવનવી રીતે
आ क्षण ने यादगार बनावाना प्रयत्नों करी रहा छे। तेवो ज एक प्रयास उत्तर प्रदेश ना हमीरपुर शहर में रहता धोरण पांच में अभ्यास करता आदर्श शर्माए कर्यो छे। हाल बजारों में सोना चांदी लाकड़ा जीवी अनेक वस्तुओं थी राम मंदिर ना मॉडल लोग बनावी रहा छे, तेरे गरीब परिवार ना आदर्शे पोतानी शक्ति मुजब पुठा माथी भव्य राम मंदिर नो मॉडल बनाव्यु छे। 10 વર્ષના આદર્શનું કહેવું છે કે ભગવાન રામ તેના સ્વપ્નમાં આવ્યા હતા અને તેમણે આ મોડલ બનાવવાની પ્રેરણા આપી હતી। આ સ્વપ્નને સાકાર કરવા આદર્શે 3 મહિના સુધી અથાક મહેનત કરી અને પૂંઠામાંથી રામ મંદિરની પ્રતિકૃતિ તૈયાર કરી છે। આટલી નાની ઉંમરે આદર્શે બનાવેલી રામ મંદિરની પ્રતિકૃતિ જોઈ સૌ કોઈ મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા છે। हनुमान जी के मंदिर गया था और उसी दिन में रात को सो रहा था तो भगवान राम मेरे सपने में आए थे। उनने कहा कि ये मॉडल बनाओ, तो मैंने इसे दप्ती दप्ती फैब्रिक और लाइट से बनाकर सजाया है। भगवान राम वहाँ अयोध्या में विराज रहे तो उसको कुछ समझ में आया तो थोड़ा सा उसने सोचा कि हम बनाए, तो हम लोगों ने कहा भाई बनाओ और उसमें सहयोग किया गया उसका। काफी लाइट आइट लगाई, काफी मेहनत करी उसने, तन मन धन से लगा रहा और रामचरितमानस की जपाई जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन जैसी उसने स्वप्न में विचार किया कि मुझे इस तरह का राम मंदिर बनाना है। मेहनत और लगन के साथ उसने मेहनत की और राम मंदिर बनाया। उसके मम्मी पापा सभी लोग उसका सहयोग किया, उसकी दादी ने सहयोग किया। अयोध्या में भगवान श्री राम ना प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव ने लेने समग्र देश राममय बनी गयो छे। त्यारे आ उत्सव ने लेने देश ने राज्य में दिवाळी जेवो माहोल छे। राम भक्ति में लीन बनी सौ पोताना भाव ने अलग अलग रीते प्रदर्शित करी रहा छे। त्यारे आवो ज भक्ति भाव गोधरा ना तबीब डॉक्टर शुक्लज पटेल में पण जोवा मळ्यो छे। गोधरा नी दीकरी डॉक्टर श्रुजल पटेल पोताना राम भक्तिभाई गीत नृत्य ने लई सर्वत्र छवाई गई छे। गोधरा ताले विहारम स्वामीनारायण मंदिर खाते भव्य शाकोत्सव योजायो हतो। एक ज स्थले धर्मोचार्य नी उपस्थिति ने लईने अहीं रामश्याम अने घनश्याम ना समन्वय नी प्रतीति थई हती। त्यारे आ प्रसंगे लक्ष्मीनारायण महिला मंडल ना अध्यक्ष डॉक्टर उर्वशी कुंवरबा उपस्थित रहा हता। आ दरमियान डॉक्टर श्रुजल पटेले पोताना हृदयभाव साथे भगवान श्री राम ना भक्ति गीत उपर नृत्य करी सौनु मौन मोही लीधुं हतुं। डॉक्टर श्रुजल पटेल ना भक्तिमय गीत ना नृत्य ना हाल खूब वखाण थी रहा छे ने आवकार बढ़ी रह्यो छे। બિહારમાં દિવ્ય શાક ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં રામ શ્યામ ઘનશ્યામનું મિલાપ થવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અમારા મહિલા મંડળની સભામાં ઉપસ્થિત ડૉક્ટર ઉર્વશી કુંવરબા અને સૌ હરિભક્તો પધાર્યા હતા, જે નિમિત્તે મેં રામ ભગવાનનું નિત્ય કર્યું હતું। અત્યારે 500 વર્ષ બાદ દિવ્ય રામ ભગવાનનો ઉત્સાહ છે આખા દેશમાં અને મને બી ખૂબ ઉત્સાહ છે અને એ નિમિત્તે મેં આ નિત્ય કર્યું હતું અહીંયા વૃત્તાલય વિહારમાં।